नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों योद्धा फिल्म के मूवी रिव्यू में आपका स्वागत करता हूँ। योद्धा दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा के कारण देखी जा सकती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की जब शेरशाह मैंने देखी थी उसके बाद में मुझे उनकी एक्टिंग में दम नजर आया, तो वहाँ बहुत ही बेहतरीन उनकी एक एक्टिंग थी। और एक बार फिर से वो एक्शन अवतार में, बल्कि मैं कहूँगी पहली बार इतने जबरदस्त एक्शन अवतार में नजर आए हैं, तो उनके लिए ये फिल्म देखी जानी चाहिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक ऐसे कलाकार है जिनकी हाइट काफी अच्छी है, पर्सनैलिटी सूट करती है एक्शन करने के लिए, तो यहाँ पे उनके जो एक्शन सिक्वेंसेज है वो कई तरह से इतने अच्छी तरीके से फिल्म आई गई है कि आपको लगेगा कि एक और नया एक्शन स्टार आ गया है। बहुत ही जबरदस्त एक्शन, मतलब उनका अंदाज, उनके डायलॉग्स और जिस तरह से वो एक्शन करते हैं वो मतलब आपका दिल जीत लेता है। एक्शन ही नहीं बल्कि कई इमोशनल दृश्यों में भी बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग उनकी नजर आती है, क्योंकि ये फिल्म एक्शन प्लस इमोशन प्लस देशभक्ति का तड़का है। देशभक्ति भी इसमें है, कई डायलॉग्स ऐसे हैं जो देशभक्ति से परिपूर्ण है। प्लेन हाईजैक पे फिल्म है, तो ऐसी बात नहीं है कि जो प्लेन हाईजैक पे फिल्म बनी नहीं है कभी। जमीन फिल्म आई थी अभिषेक बच्चन, अजय देवगन सर की, रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट की थी, उसमें भी प्लेन हाईजैक करके था एक मैटर। और भी कई फिल्में आई है प्लेन हाईजैक पे, तो कुछ कुछ उनसे प्रेरित आप बता सकते हैं। बिल्कुल रियल, बिल्कुल नई स्टोरी तो नहीं है, लेकिन कई दिनों से ऐसी फिल्म आई नहीं है, तो अच्छा लगेगा आपको जिस तरह से फिल्म को पेश किया गया है शुरू से लेकर के अंत तक। स्क्रिप्ट काफी टाइट है और डायरेक्शन काफी अच्छा है, तो शुरू से लेकर के फर्स्ट हाफ है वो शुरू से ही आपको मतलब फिल्म आपको बांध के रखती है। हाँ, कुछ तरह से कमजोर है, कुछ तरह से काफी लंबे भी खींचे गए हैं जिनको थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता था, लेकिन फिल्म एक पेस से चलती है और लगातार आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहता है। और जिस प्रकार से सिद्धार्थ मल्होत्रा का रोल आगे बढ़ता है, हालांकि उनकी जो दिशा पाटनी है, राशि खन्ना है, उनके साथ जो केमिस्ट्री है, जो रोल है, चलो वो भी ठीक है कुल मिलाकर के। गाने मुझे म्यूजिक ठीक ठाक सा लगा, कोई विशेष तो नहीं लगा, लेकिन ठीक है। बाकी लोकेशन अच्छे है, विजुअल्स अच्छे है, डायलॉग्स ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा तो दमदार नहीं लगे, लेकिन कई डायलॉग्स ऐसे हैं जिसमें ज़रूर गुजबम्स आते हैं, तालियां पीटने का मन करता है। और कई सीन भी ऐसे हैं जिसमें आप तालियां बजाएंगे, सीटियां मारेंगे। और इंटरवल के बाद में फिल्म का स्पीड थोड़ी और बढ़ती है, फास्ट होती है, और क्लाइमैक्स ठीक ठाक है। क्लाइमैक्स थोड़ा मुझे तो बस ठीक ठाक ही, जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं, जो उम्मीद करते हैं, वैसा ही क्लाइमैक्स है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लाइमैक्स नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो रेस्क्यू किया जाता है, यात्रियों को बचाया जाता है प्लेन हाईजैक, उसके बारे में फिल्म में थोड़ी सिद्धार्थ मल्होत्रा की बैक स्टोरी भी है, सब कुछ है। तो कुल मिलाकर के मास मसाला एंटरटेनिंग मूवी है, पैसा वसूल मूवी है, बोर आप नहीं होंगे। एक बार आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं, पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, और सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक्शन के कारण देख सकते हैं, उनके अभिनय के कारण देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे फिल्म अच्छी ही कहूँगा मैं फिल्म को, 3 स्टार आउट ऑफ 5 एक एवरेज रेटिंग इसको दी जानी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।